राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होगा। बिहार में भी राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को 2, जेडीयू को 1 और आरजेडी को 2 सीटें मिलेंगी। बिहार में जिन 4 सदस्यों का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है, उनमें भाजपा के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे, आरजेडी की मीसा भारती, जदयू के केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह है, जबकि शरद यादव की सीट 4 दिसंबर 2017 से खाली है। इस बार हर दल को उम्मीदवार के चयन को लेकर माथापच्ची करनी पड़ रही है। आरजेडी ने मीसा भारती को एक बार फिर राज्यसभा में भेजने का मन बना लिया है, लेकिन दूसरी सीट को लेकर अब तक पार्टी ने कोई ऐलान नहीं किया। जेडीयू को अपनी एक सीट पर फैसला करना है। वर्तमान सांसद और केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने को लेकर नीतीश कुमार ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार किसी नए चेहरे को भी इस बार राज्यसभा भेज सकते हैं। वहीं भाजपा के लिए भी उम्मीदवारों का चयन आसान नहीं दिख रहा है। पार्टी ने मंथन कर 12 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाई है, जिस पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी और 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी।